गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम सब गणित पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, कक्षा 4 विषय गणित अध्याय 12 मापन। मेरा नाम बाला कुमारी है और मेरे साथ दीपमाला शर्मा है, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ें। स्केल, बच्चों क्या तुमने स्केल देखा है? कैसा होता है स्केल? लंबाई मापने के लिए हम स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों? एक बड़ा खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, एक छोटा खाना बराबर 1 मिलीमीटर, इसी तरह 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? देखो हम स्केल में देखते हैं ना, छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, एक संख्या लिखी रहती है, फिर थोड़ी दूर में दूसरी संख्या लिखी रहती है, ठीक है बच्चों? सभी बच्चे घर पर अपना स्केल देखेंगे और इसी तरह समझेंगे, ठीक है बच्चों? इंच टेप, देखो बच्चों चित्र में दिख रहा है इंच टेप? अपन टेलर के जाते हैं, वहां अपन देखते हैं ना इंच टेप को, अपने कपड़ों का नाप लेते हैं। समझ में आ गया होगा इंच टेप कैसा होता है? नंबर 1, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं। समझ रहे हो बच्चों? नंबर 2, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। समझ में आया बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ें। प्रश्न उत्तर, प्रश्न 1, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। नंबर 1, 5 सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे? 5 गुना 10, हम 10 से गुणा करेंगे, कितना प्राप्त हुआ हमें? 50 मिलीमीटर। देखो बच्चों, नंबर 2, 6 सेंटीमीटर बराबर कैसे करेंगे? 6 गुना 10 बराबर कितना आएगा? 60 मिलीमीटर। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ें। प्रश्न 2, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। नंबर 1, 20 मिलीमीटर बराबर 20/10, यानी कि 10 का भाग देंगे, बराबर क्या प्राप्त हुआ? 2 सेंटीमीटर।
नंबर दो 40 मिलीमीटर। कितना प्राप्त होगा बच्चों हमें? क्या करेंगे? 40/10, 10 का भाग देंगे, क्या प्राप्त हुआ? 4 = 4 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ें। प्रश्न 3, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। नंबर 1, 400 सेंटीमीटर = क्या करेंगे बच्चों? 100 का भाग देंगे, तो हम लिखेंगे 400/100 = हमें क्या प्राप्त हुआ? 4 मीटर। इसी तरह नंबर 2, 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। कैसे बदलेंगे बच्चों? 600 में 100 का भाग देंगे, कितना प्राप्त हुआ? 6। कितना लिखेंगे? 6 मीटर। समझ में आया? आगे बढ़े बच्चों। प्रश्न 4, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। नंबर 1, 3 मीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? 100 से गुना करेंगे। तो क्या लिखा यहां पर हमने? 3 × 100 = 300 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? नंबर 2, 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। क्या करेंगे बच्चों? 4 × 100 = 400 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ें। अभ्यास प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, मीटर को सेंटीमीटर में मिलान करिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर में लिखेंगे। यहां हमने मिलाया इसको। 8 मीटर को मिलाने के लिए ढूंढो बच्चों, कितना लिखेंगे? 800 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बच्चों? नीचे देखो, 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर से मिलाएंगे, ढूंढो बच्चों, ये मिल गया। समझ में आया? नीचे देखो, 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर से मिलाएंगे, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ें। प्रश्न 2, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से मापकर उनकी लंबाई लिखिए। नंबर 1, देखो बच्चों, A
पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक हमने अंदाजा लिखा है, इसकी लंबाई कितनी होगी सोचो, होगी 6 सेंटीमीटर। नंबर दो, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक बताओ बच्चों कितनी लंबाई होगी, ये इससे थोड़ा बड़ा है, अंदाजा लगाओ सोचो, ये होगा लगभग 8 सेंटीमीटर। इसी तरह से तुम सबको भी घर पर स्केल की सहायता से लंबाई का मापन करना है, अभ्यास करना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।